हेलो पीपल, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा सेंटर क्या होता है और ये डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनता है। वेलकम बैक टू आवर चैनल मार्केटिंग खबर। ये वीडियो आपको सिर्फ डेटा सेंटर बिजनेस के बारे में नहीं बताएगा, एक बहुत अच्छे डेटा सेंटर मॉडल के बारे में भी बताएगा जिसका नाम है अबाकस डेटा सेंटर। ये अबाकस मॉडल वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है। ये आपको रियल डेटा और रियल क्लाउड प्रोवाइड करते हैं। वीपी ब्रॉडबैंड जो कंपनी है वो 2016 में स्टार्ट हुई थी और इसका मोटिव था पूरे पंजाब में लोगों को हाई स्पीड और स्टेबल फाइबर ब्रॉडबैंड देने का। तो इन्होंने यहाँ पर माय इंटरनेट की सर्विस लॉन्च करी थी। इनकी जो माय इंटरनेट सर्विसेज हैं उसके लिए पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट ने इन्हें लाइसेंस भी ग्रांट कर दिया था। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है उनसे इनको ISP का लाइसेंस मिला है। अबाकस मॉडल भी माय इंटरनेट में आया है और इसका मोटिव दुनिया भर के जो डेटा सेंटर्स चल रहे हैं उनको चलाने के तरीके चेंज करने का है। अबाकस डेटा सेंटर क्या है वो जानने से पहले इनके पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट है इनका, जिसमें ये माय इंटरनेट, माय वाईफाई और वीपी ब्रॉडबैंड की सर्विसेज देते हैं। इनका एक IBTV भी चलता है, स्काई प्रो, जिसका टाइप BSNL के ब्रॉडबैंड के साथ है। अगर आपके पास BSNL का ब्रॉडबैंड है और IBTV का यूज करना चाहते हैं तो आप इजीली इसे यूज कर सकते हैं स्काई प्रो से। सर्वेलियंस सर्विसेज भी है जिसका नाम है माई क्लाउड। इनके पास और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। डेटा सेंटर मॉडल की बात करें तो इनके पास अबाकस मॉडल है। अबाकस डेटा सेंटर का ASI के साथ टाइप है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमें डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करें तो ROI या अर्निंग के लिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस बनती है और पूरी भी होती हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये एक लीगल डेटा सेंटर मॉडल है जो गवर्नमेंट सपोर्टेड कॉन्सेप्ट है। डेटा सेंटर क्या होता है ये जानना चाहें तो बता देती हूँ। डेटा सेंटर मॉडल एक ग्रुप होता है बड़े बड़े नेटवर्क्ड कंप्यूटर सर्वर्स का, जो टिपिकली ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं अपना डेटा रिमोटली स्टोर करने के लिए, और अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करके रखने के लिए भी डेटा सेंटर मॉडल यूज होता है। डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ती चली जा रही है क्योंकि कोई भी स्टार्टअप हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो, डेटा स्टोर करने की जरूरत पड़ती है और डेटा स्टोर करने के लिए क्लाउड का यूज किया जाता है। तो इसलिए आज डेटा सेंटर बिजनेस की भी बहुत डिमांड बढ़ गई है और अबाकस डेटा सेंटर रेंटल बिजनेस लेकर आया है जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। आने वाले टाइम में भी इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है तो आपकी अर्निंग के चांसेस भी बढ़ते हैं। रेवेन्यू जनरेट करने में भी आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। डेटा सेंटर बिजनेस से जल्दी से रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। सब्सक्रिप्शन के थ्रू रेवेन्यू यहाँ जनरेट होता है। इसकी ग्रोथ लेवल भी बहुत अच्छी है और आगे और बढ़ने वाली है। अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करो और फ्रेंचाइजी लो तो आपको काफी बेनिफिट होगा। यहाँ आपको कुछ सर्वर्स परचेज करने होंगे। अबाकस डेटा सेंटर बिजनेस में जो सबसे बड़ा सर्वर है वो 192 ब्लॉक्स का होता है। ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है तो ज्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में और डिवाइड कर दिया है ताकि लोग इसे यूज कर सके और रेवेन्यू जनरेट कर सके। आप यहाँ एक ब्लॉक परचेज कर सकते हैं जो कि आपका लेड लेवल होता है। इसका रेंटल ड्यूरेशन 10 ईयर्स का है जो आपको मिलता रहेगा। आपको 2 ब्लॉक्स का भी प्लान मिलता है जो कि ब्रॉन्ज लेवल में होता है। आगे आप 5 ब्लॉक्स भी परचेज कर सकते हैं जो कॉपर लेवल हो जाता है। जो भी आप प्लान लेंगे उसमें सारे टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। 10 ब्लॉक्स लेने का भी ऑप्शन आपको मिलता है जो कि सिल्वर लेवल बनता है। इन सारे प्लान से आपको 10 ईयर्स तक रेंट मिलता रहेगा। नेक्स्ट आप 24 ब्लॉक्स भी ले सकते हैं जिसका लेवल गोल्ड हो जाता है। इसके बाद आप प्लैटिनम लेवल पर भी जा सकते हैं जिसमें आपको 48 ब्लॉक्स मिलेंगे। फिर आपके पास टाइटेनियम लेवल पर जाने का भी ऑप्शन है जहां आप 96 ब्लॉक्स परचेज कर सकते हैं। फाइनल पैकेज आप 192 ब्लॉक्स यानी कि एक पूरे सर्वर को अगर आप परचेज करते हैं तो वो आपका डायमंड लेवल हो जाएगा। इन सारे प्लान्स के लिए आपको एक अग्रीमेंट मिलता है। आप कोई भी प्लान परचेज करें आपको KYC करनी होगी और उसी के साथ आपको अग्रीमेंट मिल जाएगा जो नेक्स्ट 10 ईयर्स तक वैलिड होगा। ऐसे आप अबाकस डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट करके ROI जनरेट कर सकते हैं। जो भी रेंट आपको आएगा उसमें 7% का डिडक्शन रहेगा, 5% एडमिन चार्जेस और 2% TDS। एवरी मंथ आपको रेंट मिल जाएगा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में। लॉन्ग टर्म अर्निंग है इसमें और ये एक जेन्युइन सिस्टम है। अबाकस मॉडल गवर्नमेंट सपोर्टेड है तो ट्रस्टवर्दी भी है। ये काफी अच्छा मॉडल है। एक बात याद रखना, एक पैन कार्ड से आप एक ही ID लगा सकते हैं। अब ये वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी।
फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं जल्दी एक न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।